नगर पालिका का मीट मार्केट भवन जर्जर हो चुका है। भवन की छत जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। जर्जर हो चुकी छत कई बार टूटकर नीचे भी गिर चुकी है। सौभाग्य से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन मीट मार्केट में कार्य कर रहे दुकानदार भय के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि कई बार सूचना देने के बाद भी नगर पालिका भवन के सुधारीकरण का कार्य नहीं कर रही है। बरसात का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में मीट मार्केट का जर्जर भवन कभी भी गिर सकता है। नगर पालिका व प्रशासन ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सर, हमने इसमें कुछ दिनों पहले नगर पालिका को एक प्रार्थना पत्र दिया, हम सभी दुकानदारों के द्वारा, दो दुकानदारों के द्वारा तो खास तौर से दिया गया। हमने कहा कि हम स्वयं के पैसे से दुकानों का लेंटर डाल देते, मगर वो कहने लगे कि बोर्ड मीटिंग में इसको रखकर इसका निर्माण किया जाएगा। कब तक इनकी बोर्ड मीटिंग होती है और ना जाने कब कोई दुर्घटना हो सकती है, यहाँ कोई भी जनहानि हो सकती है। हमारा नगर पालिका से यही कहना है कि नगर पालिका जल्द से जल्द इस लेंटर को बनवाए, नहीं तो हम स्वयं के पैसे से, हमें परमिशन दे दें, हम स्वयं के पैसे से इसका निर्माण करवा लेंगे। राकेश पाल जी की दुकान उस दिन मंगलवार के दिन होने के कारण ये नहीं थे, नहीं तो यहाँ पर कोई भी ऐसी दुर्घटना हो सकती थी। दुकानों में ग्राहक भी बैठते हैं, कभी भी कोई ऐसी दुर्घटना हो सकती है। नगर पालिका को इन दुकानों से हर महीने हजारों रुपये की आय होने के बावजूद भी नगर पालिका मीट मार्केट की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। हम चाहते हैं कि नगर पालिका हम लोगों के बारे में सोचे। हम लोगों को नगर पालिका द्वारा ही यहाँ विस्थापित किया गया। हमारी बाज़ार में सब लोगों की अपनी अपनी दुकानों से हटाकर हमें यहाँ लाया गया और हमसे लाखों रुपया आज तक किराया ले लिया गया है। और हम चाहते हैं कि नगर पालिका अगर स्वयं निर्माण न कर सके तो हमें खुद बनाने के लिए परमिशन दे दे और हम खुद बनवा लेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।